साधकों की ओर से एक प्रश्न आया है, गुरुदेव नींद नहीं आती है और गहरी नींद कैसे आए? क्या आध्यात्म में भी इसका कोई इलाज है? कृपया अपने श्रीमुख से हमें लाभान्वित करें। हरिओम हरिओम। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी विचार किया है नींद के बारे में? प्रश्न आपका है, लेकिन कभी चिंतन और मनन किया है आपने नींद के बारे में? ऐसे कितने लोग यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने नींद के बारे में चिंतन और मनन किया है? हाथ खड़े कीजिए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने नींद के बारे में चिंतन किया है कि नींद क्यों नहीं आती, नींद नहीं आने के कारण क्या है। प्रश्न आपने पूछा है, लेकिन इसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। कारण क्या है, मैं इसका आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। वह नींद जिसके अथाह सागर में हम अपने समस्त दुख द्वंद परेशानियों को एक बारगी में डुबो देते हैं, नींद ही है ना, जिसके अथाह सागर में हम अपने दुख समस्त कष्ट रात्रि में विश्राम के समय उसको डुबो देते हैं और प्रातः काल समस्त द्वंद परेशानियों को एक तरफ रखते हुए नव चेतना स्फूर्ति के साथ, बहुत गहराई की बात है, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, नव चेतना स्फूर्ति के साथ तरोताजा होकर पुनः जीवन में लग जाते हैं। सभी जानते हैं कि प्रकृति की महान देन है निद्रा। नींद नहीं होगी तो सोचिए क्या आप जीवित रह सकते हैं? मनोरोगी नहीं हो जाएंगे? मानसिक संतुलन नहीं खो बैठेंगे? शेक्सपियर ने कहा है, निद्रा प्रतिदिन के जीवन के लिए मृत्यु है। आप सोचिए कितनी गहराई है इस बात में। निद्रा प्रतिदिन के जीवन के लिए मृत्यु है और कठिन परिश्रम के लिए स्नान है। जो कठिन परिश्रम करते हैं उनके लिए स्नान है। घायल मस्तिष्क के लिए शांतिदायिनी औषधि है और क्षतिपूर्ण शरीर के लिए अमृत कुंड के समान है। शेक्सपियर की इस बात को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो जो क्वेश्चन आपने पूछा है, जो प्रश्न आपने किया है, उसका सारा सार आपको शेक्सपियर की इस बात में मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं कि प्रतिदिन रात्रि की नींद के बाद हम प्रातः काल नव चेतना और नव जीवन प्राप्त कर अपने कामकाज में लग जाते हैं। यहां बैठे उपस्थित सभी लोग जानते हैं इस बात को। यह प्रकृति का ईश्वर द्वारा निर्मित कैसा अद्भुत खेल है, कैसी महान कृपा है। व्यक्ति हारा थका चूर चूर होकर, संसार की परेशानियों से दूर होकर, पांच तत्वों से बने इस शरीर के सिस्टम को प्रतिदिन अपने आप ही निभाता आया है। ये कैसा अद्भुत खेल है, ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि व्यक्ति दिन भर काम करता है, रात्रि में विश्राम करता है और नव शक्ति स्फूर्ति और प्रसन्नता उत्साह लेकर उठता है। इस महान उपकार के बदले हमें कुछ भी देना नहीं पड़ता। क्या हम इस महान उपकार के बदले ईश्वर को कुछ देते हैं? बिल्कुल कुछ नहीं देते। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसकी तुलना में संसार का कोई भी पदार्थ समर्थ नहीं है। आप सोचिए, नींद हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती उसके बारे में सोचिए जरा कि क्यों नींद नहीं आती।
लाखों रुपए का बिस्तर है, करोड़ों रुपए का बिछौना है, करोड़ों रुपए का बंगला है, आलीशान महल है, फिर भी नींद नहीं आती। कारण क्या है इसका? कारण सिर्फ इतना है कि उसके मन में संतोष नहीं है, उसके मन में चिंता है, उसका दिमाग रात दिन नई नई उधेड़ बुन में लगा है, वह नींद की गोलियां खाकर निद्रा की अवस्था में जाता है। सोचिए आप, हमारे शास्त्रों में उल्लेख है, जो मनुष्य सदाचारी विषय भोगों से कोसों दूर है, उसे नींद अपने आप आती है, और जो मनुष्य सदाचारी नहीं है और विषय भोगों में लिप्त है, उसे नींद नहीं आती। तो नींद पर अधिकार किसका है? नींद पर जो अधिकार है वो विषय भोगों से जो व्यक्ति कोसों दूर है, जो सदाचारी है, उसका है। और नींद पर अधिकार किसका नहीं है? जो रात दिन उधेड़ बुन में लगा रहता है, विषय भोगों में लिप्त रहता है, उस पर नींद पर उसका कोई अधिकार नहीं है। उसे प्रतिदिन गोलियां खाकर निद्रा अवस्था में जाना पड़ता है। गुरुदेव कृपया बताएं कि हमें नींद क्यों नहीं आती, क्या कारण है? हाँ, इस प्रश्न की यहां पर आवश्यकता है कि नींद क्यों नहीं आती। नींद नहीं आने का कारण चिंता है। शास्त्र कहते हैं चिंता चिता के समान है, बहुत ही स्वाभाविक। और सोचने वाली बात है कि चिंता ही चिता है। बहुत से व्यक्ति स्वभाव से अत्यधिक चिंतनशील प्रकृति के होते हैं और दिन रात उनका दिमाग किसी उधेड़बुन में ही डूबा रहता है। ऐसे लोग बिस्तर पर यानी बेड पर सिर्फ करवटें बदलते हैं। रात्रि में जब वह जाते हैं बेड पर तो सिर्फ वह इधर उधर करवटें बदलते हैं। सोचिए, पलके बंद करके चिंतन का क्रम एकांत पाकर अधिक तीव्र हो जाता है। वह पलके जैसे ही बंद करते हैं तो एकांत में जब वह जाते हैं तो जो विचार है, जो थॉट प्रोसेस है, वो अधिक से अधिक तीव्र हो जाता है। जब आप किसी शांत स्थान पर बैठेंगे और आपके तमाम आपके जीवन में उधेड़ बुन है, तो आप देखेंगे ना कि आप शांत जगह पर बैठे होंगे तो वहां ज्यादा विचार आपके मन में आएंगे और इस कारण उन्हें नींद नहीं आती। इसके विपरीत दिन भर का हारा थका मजदूर फर्श पर भी जो है बड़ी आसानी से सो जाता है। इसके मतलब यह नहीं है कि चिंतन या कोई बात या थॉट प्रोसेस है वह बंद हो जाना चाहिए, वह बुरा है, सोचना बुरा है। मनुष्य का सोच विचार ही उसे आगे बढ़ाता है, लेकिन उसकी एक अपनी सीमा होती है। हर चीज की अपनी एक सीमा होती है। मनुष्य का चिंतनशील होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चिंतन के क्षणों में ही नव अन्वेषण का कार्य होता है। सोचिए आप, जब आप चिंतन करेंगे तभी तो अन्वेषण होगा। जब आप चिंतन नहीं करेंगे, आप विचार ही नहीं लाएंगे, तो अन्वेषण कैसे होगा, कैसे हो सकता है? चिंतन विचारशीलता चाहे अच्छी दिशा में चले या बुरी में, उसका आप पर अधिकार नहीं होना चाहिए।
जो संतोषी व्यक्ति होते हैं, जो संतोषी व्यक्ति होते हैं वह अपने दिमाग में इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। जब वो बिस्तर पर जाते हैं, जब पलंग पर जाते हैं, जब वो सैया पर जाते हैं, तो उनका जो मन मस्तिष्क होता है, जो उनका मन मस्तिष्क होता है, वह अपने आप जो है सारी जो थॉट प्रोसेस है अपनी, जो आपने जो दिन भर के विचार हैं, उसको वह एक तरफ रेकर निद्रा अवस्था में चले जाते हैं। और जो संतोषी व्यक्ति नहीं है, जो व्यक्ति संतोषी नहीं है, उसके दिमाग से वह विचार नहीं हट पाते और वह उन विचारों के कारण अधिक से अधिक स्वप्न देखता है और उसकी नींद पूरी नहीं हो पाती। आपका प्रश्न है हमें नींद क्यों नहीं आती। वस्तुतः अनियमित अनियंत्रित सोच विचार चिंतन से मनुष्य के स्नायु अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं और मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है कि वह जिस विषय को पकड़ लेता है उसके बारे में ही ताना बाना बुनने लगता है। जो मन है हमारा जिस विषय को पकड़ लेता है उसका ताना बाना बुनने लगता है, तो उसके बाद क्या होता है, नींद नहीं होती। और जब आप प्रातः काल उठते हैं तो थकान आलस्य सब कुछ रहता है और आपका शरीर जितनी स्फूर्ति से काम करने के लिए बना है उतनी स्फूर्ति से काम नहीं करता, जिसके कारण आपके कार्य पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके मन पर भी इफेक्ट पड़ता है, आपके शरीर पर भी इफेक्ट पड़ता है और आप बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो नींद नहीं आने का कारण क्या है, अनियमित दिनचर्या, अत्यधिक सोच और नकारात्मक विचारों का अधिक से अधिक आना। आजकल तो नींद नहीं आने के बहुत से कारण हैं और मैंने जो स्टडी की है, जो साइकोलॉजिस्ट जो मनोचिकित्सक होते हैं या मनोवैज्ञानिक होते हैं उनसे मैं बात करता हूं तो देखता हूं, वह बताते हैं, उनका स्टडी उसके बारे में बताते हैं कि आजकल नींद नहीं आने का कारण है टीवी, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पर तमाम ऐसी नकारात्मक खबरें, टीवी चैनल्स पर ऐसी तमाम नकारात्मक खबरें, अश्लील दृश्य हैं, अश्लील वीडियो हैं, जो मन के अंदर नकारात्मक भाव पैदा कर देते हैं और उन नकारात्मक भावों के कारण मनुष्य के सोचने और समझने की शक्ति जो है वह इस कदर उस पर हावी हो जाती है कि वह उन कल्पनाओं से बाहर नहीं निकल पाता और उन कल्पनाओं के कारण उसे नींद नहीं आती। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, मैं इस विषय पर भी जाऊंगा आगे, आपका प्रश्न है, आपने नींद के ऊपर कई प्रश्न पूछे हैं, उनका एक एक कर मैं आपको जवाब दूंगा। तो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मामला यही है कि आप नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं, यह भी नींद नहीं आने का कारण है। गुरुवर, मेरा अगला सवाल है कि किसको कितना सोना चाहिए और कितना नहीं, कृपया बताएं। किसे कितना सोना चाहिए, कितनी नींद लेना चाहिए, इस बारे में विज्ञान कहता है कि जो घरेलू व्यक्ति है, जो सांसारिक जीवन में लिप्त है, उसे 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेना चाहिए। और जो व्यक्ति योगी है, ऋषि है, जो ध्यान करता है, उसे 4 से 5 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। लेकिन नींद
आना और नहीं आना, यह आपकी शारीरिक क्षमता, मानसिक क्षमता पर निर्भर करता है। कोई व्यक्ति 5 घंटे में भी अपने आप को फ्रेश महसूस करता है और कोई व्यक्ति 10 घंटे सोने के बाद भी अपने आप को फ्रेश महसूस नहीं करता। इसका कारण है दिनचर्या। यदि अनियमित दिनचर्या होगी तो चाहे आप कितना सो लें, चाहे आप नहीं सोएं, आप क्रियाशील नहीं हो सकते। तो ये व्यक्ति के उस पर निर्भर करता है। गुरुदेव, मेरा अगला सवाल यह है कि जिन्हें नींद नहीं आती, जो कि अनिद्रा से ग्रस्त हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या उपाय करने चाहिए, कृपया अपने श्रीमुख से हमें विस्तार से जानकारी देवें। जिन्हें नींद नहीं आती उसके बारे में बताऊंगा, नींद कैसे आए। नींद के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपने मन को पूर्णतया निर्विकार, शांत, संकल्पहीन बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए किसी अच्छे ग्रंथ का पाठ, इश स्मरण, शुभ संकल्प करते हुए अपने आप को निद्रा देवी की गोद में सौंप कर शून्य विलीन हो जाना, यह एक अभ्यास है। नींद के लिए भूल कर भी दवा का उपयोग न करें, आपके शरीर पर इसके दुष्प्रभाव पड़ते हैं और तरह तरह की बीमारियां आपके शरीर में लगती है। अब मैं आपको नींद का मंत्र और एक ऐसा ध्यान बताऊंगा, एक ऐसी प्रार्थना बताऊंगा जिसके माध्यम से निश्चित तौर पर आपको नींद आएगी। निद्रा रोग से ग्रस्त हैं तो एक मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ। रात्रि में सोने के पूर्व अपने हाथ पैर अच्छे से धोइए, ऐसे कपड़े पहनिए जिससे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई तनाव ना रहे। मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ और फिर विधि भी मैं आपको इसकी बताऊँगा। मंत्र है ओम अम अनिद्रा नाशाय अम ओम फट। एक बार और मैं इस मंत्र के का उल्लेख करूंगा। ओम अम अनिद्रा नाशाय अम ओम फट। ओम अम अनिद्रा नाशाय अम ओम फट। इस मंत्र को आप 11 बार आंख बंद करके प्रार्थना की मुद्रा में दोनों हाथ जोड़कर बैठिए और इसका उच्चारण कीजिए। 11 बार बोलने के पश्चात आप प्रार्थना कीजिए। हे परमपिता परमेश्वर, सभी सुखों के दाता, हे मंगलमय प्रभु, आपके आशीर्वाद से मुझे बहुत अच्छी नींद का सुख प्राप्त हुआ है। मेरे विचार शून्य हुए हैं और आपके द्वारा भेजी गई दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा के माध्यम से मैंने नींद, एक गहरी नींद का अनुभव किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। हरिओम हरिओम हरिओम। इतना कहकर आप शांत मन से बिस्तर पर लेट जाएं और मन ही मन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें। निश्चित तौर पर आपको
बहुत अच्छी बिना गोली के नींद आएगी। इफ यू एंजॉयड वॉचिंग आवर वीडियोस डू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल।